हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जिन भी लोगों का सीईटी मेंस का एग्ज़ाम था वो अच्छा गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो हिंदी का जो आपका पेपर हुआ है उसको डिस्कस करते हैं कि जो हिंदी के जो 5 मार्क्स पूछे गए हैं वो किस तरह के पूछे गए हैं, ठीक है। और साथ में इंग्लिश के 5 मार्क्स भी देखेंगे। टोटल हिंदी और इंग्लिश 10 मार्क्स की आई है। तो आप लोगों को थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि जो कल ग्रुप 56 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी तो अब कुछ किया नहीं जा सकता, जो होना था वो हो चुका है तैयारी के अंदर, ठीक है। बाकी जो आगे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, आगे आपके जो भी एग्जाम होंगे तो उनके लिए भी आपको थोड़ा सा एक हिंट मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हिंदी का वो क्या है, 96 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनमें से कौन सा रूप शुद्ध है। तो शुद्ध रूप बताना था, आशीर्वाद शब्द को किस तरह से लिखते हैं, शुद्ध अशुद्ध से आया था। तो आप लोग ना पहले जो भी ये जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरह से सोल्व करें आप लोग ना खुद लिख करके देखिए। हमें क्या लिखना है, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, वह के ऊपर जो रह की मात्रा है वो आती है। तो इसमें से जो कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने किया है उनका ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, खालिक बारी रचना किसकी है। जो खालिक बारी रचना है वो पूछी गई है, यानी जो हिंदी का जो लिटरेचर होता है, हिंदी साहित्य होता है, उससे भी क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स। दो क्वेश्चन हिंदी साहित्य से आए हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हिंदी साहित्य का भी लेना पड़ेगा रचनाओं के बारे में, ओके। तो जो खालिक बारी रचना है वो किसकी है, खालिक बारी रचना अमीर खुसरो की है, एक फेमस रचना है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो जो शायद खड़ी बोली के शायद प्रथम कवि थे, शायद कन्फर्म नहीं है मेरे को, ठीक है। तो खालिक बारी उनकी रचना है अमीर खुसरो की, ओके। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए हैं, हिंदी के महान जो कवि हुए हैं, उनको सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कब नियुक्त किया गया था। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक में के रूप में उन्होंने 1903 के अंदर कार्यभार संभाला था। और आपसे ये भी पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि वो कितने मतलब साल तक रहे थे, तो वो 17 साल तक रहे थे, 1920 तक रहे थे। ये आपको ध्यान रखना है कि 1903 से 1920 तक जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया था, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और शेयर कर देती हूँ, कल से मैं आप लोगों की हिंदी क्लासेस डेली लेने वाली हूँ। जो लोग भी एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एचएसएससी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी आती है, तो आप लोगों की हिंदी का एक अच्छा मतलब बेस बन जाएगा। हम बिल्कुल टॉपिक वाइज उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल जो मेरा टॉपिक होगा वो यही आएगा आपके सामने कि हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास किस तरीके से हुआ है, ओके। तो जो सौरसेनी अपभ्रंश है उससे किस उपभाषा का विकास हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और ये जो पश्चिमी राजस्थानी है ये आते हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन जो नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने बी ऑप्शन सही किया है वो उनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं एकवचन बहुवचन, तो हिंदी के अंदर कितने वचन होते हैं, दो वचन ही होते हैं, एकवचन और बहुवचन। काफ़ी लोगों ने तीन पे टिक किया होगा, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन वो संस्कृत में होता है, हिंदी के अंदर दो ही वचन होते हैं, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, दो वचन, ओके। अब इंग्लिश में देख लीजिएगा फ्रेंड, ज़्यादातर जो मतलब हिंदी है वो या तो लिटरेचर से पूछी गई है या फिर वो कैप पोर्शन से। अब शुद्ध अशुद्ध वाला है ये भी आपका, और ये फिर आपका जो वचन है ये भी, सॉरी इसमें वो कैप तो नहीं है, वो कैप इसमें है, इंग्लिश में है आपकी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश के देखते हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। हैन का जिस तरह से पुलेट होता है हैन का, तो उसी तरह से कंगारू का क्या होगा। तो जिस तरह से हैन पुलेट से रिलेटेड है उसी तरह से कंगारू किससे रिलेटेड है, जोय से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी टेंसेज आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर कितने टेंसेज होते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे कितने टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से कितने टेंसेज होते हैं, तीन टेंसेज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिसके अंदर 3 ऑप्शन दिया गया है। बाकी वैसे अगर इनके सब टाइप्स करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह से पास्ट के और इसी तरह से फ्यूचर के। तो टोटल कितने बनते हैं, 12 बनते हैं, वैसे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से जो नेक्स्ट एग्जाम जब आपका होगा, कल आपका एग्जाम होगा, ऐसा गैस कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है भाई मैं जो बता रही हूँ वो सही हो, लेकिन ऐसा गैस किया जा सकता है कि आप लोगों से ये पूछ रखा हो कि जो इंग्लिश के अंदर जो नाउंस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं,
ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। तो जो भी आप, जो भी इंग्लिश के अंदर आपने जो भी पढ़ा है, एक बार उनकी टाइप्स देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसके अंदर फेयरवेल की स्पेलिंग पूछी गई है, तो आप लोग फेयरवेल की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, FARE WEL, ठीक है। तो फेयरवेल का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर है, फेयरवेल की सही स्पेलिंग है, बाकी सभी क्या है, रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, यानी मोस्टली वो कैब के ऊपर डिपेंड है आपकी इंग्लिश, ठीक है। जो फेद है वो किससे रिलेटेड है, डाउट से। फेद मतलब क्या होता है, विश्वास होता है, और डाउट मींस क्या होता है, संदेह करना। तो एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। तो एंजॉय का अपोजिट पूछा हुआ है, ठीक है। तो एंजॉय का अपोजिट इस पेपर जो, जिसका ये पेपर था उसने इसका बी आंसर सही किया है, लेकिन मुझे इसका बी आंसर नहीं लग रहा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो माई पॉइंट ऑफ व्यू 94 का जो आंसर है वो ए होना चाहिए, सफ़र होना चाहिए एन्जॉय का। एन्जॉय मतलब आनंद करना, और सफ़र मतलब किस चीज़ से हम गुजर रहे होते हैं, पीड़ा हो रही होती है, ठीक है। तो इसका आंसर 94 का ए होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 95 जो है फुल यानी भरा हुआ, एम्प्टी यानी खाली, ठीक है। तो इसी तरह से प्राइड का अपोजिट बताना है, तो प्राइड का अपोजिट ह्यूमिलिटी नहीं होगा। अगर यहाँ पे ह्यूमिलिटी होता तो शायद बन सकता था, लेकिन ह्यूमिलिटी नहीं होगा। ह्यूमिलिटी मतलब तो मानवता हो गया, तो ये कैसे सही हो जाएगा, ह्यूमिलिटी हो सकता था। डिफेंडेंट भी नहीं होगा, डिशोर्ड भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है 95 का ए सही आंसर हो जाएगा, डिनाउंस निंदा करना, प्राइड गर्व करना, और डिनाउंस निंदा करना, ये हो सकता है 95 का ए। बाकी अगर किसी में कुछ करेक्शन की ज़रूरत होगी तो मैं आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में बता दूंगी, ठीक है। बाकी अभी एट प्रेजेंट मैंने अभी पेपर देखा था, और मुझे जो जो इसके सही आंसर लगे हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी हेल्प हुई होगी। अच्छी लगी हो तो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर किए। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।